जी देखिए, छपरा में जो घटना हुई है इसे आप पोल वायलेंस बोल सकते हैं। ये कल भी घटना हुई और आज जो है ये पोस्ट पोल वायलेंस है। कल छपरा में चुनाव थे, कल यानी 20 तारीख को पांचवें चरण का चुनाव था छपरा में, सारण लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इसको बोलते हैं। राजीव प्रताप रूड़ी यहाँ से मैदान में थे, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और वो तीसरी बार चुनावी मैदान में थे और उनके खिलाफ एक तरह से पॉलिटिकल डेब्यू करने के लिए रोहिणी आचार्य को उतारा था लालू प्रसाद यादव ने। उनकी बिटियां हैं, सिंगापुर में रहती हैं, और वो खासी चर्चा में आई, जबकि लालू प्रसाद यादव की जब तबीयत नासाज थी तो सिंगापुर में वो अपना इलाज करा रहे थे, और रोहिणी आचार्य ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट की अपने पिता को, लालू प्रसाद यादव को। उसके बाद से रोहिणी आचार्य की खासी चर्चा हुई, चारों तरफ उनकी तारीफ भी हो रही थी, और उसके बाद जैसे ही चुनाव का समय आया तो लालू प्रसाद यादव ने घोषणा की कि रोहिणी आचार्य उनकी उम्मीदवार होंगी छपरा से। छपरा जो है वो लालू प्रसाद यादव का पुराना क्षेत्र रहा है, लालू प्रसाद यादव वहाँ से दो बार एमपी रह चुके हैं, उनकी पत्नी रबड़ी देवी भी एमपी रह चुकी हैं, और इसीलिए उन्होंने सारण को चुना क्योंकि सारण एक सेफ सीट माना जाता है। सारण जो है वो एक यादव बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर लालू यादव का खासा दबदबा है, तो उसे माना जाता है कि सारण जो है वो एक ऐसा सीट है जो कि लालू परिवार के लिए सुरक्षित सीट होगा और वो वहाँ से जीतने में आसानी होगी। कल जो है जब सारण में चुनाव हो रहा था उस समय बहुत सारे बूथों पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें एक इमामगंज है जहाँ पर गोली भी चली थी और गोली में एक महिला के पैर में गोली लगी थी, वो घायल हुई थी। उसके अलावा डुमरी जगह है जहाँ पर कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था क्योंकि पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें बहुत सारी महिलाएँ पुरुष जो हैं वो घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर तीन जगहों पर घटना हुई थी और एक चौथी जगह थी जो कि भिखारी ठाकुर चौराहा, जिसे बोलते हैं हम छपरा का चौराहा है, वहाँ पे जब रोहिणी आचार्य एक उम्मीदवार के हैसियत से जब वहाँ गई थी बूथ पे, तो वहाँ पे बीजेपी के लोगों ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि ये बूथ कब्जे में अपने लोगों की मदद करना चाह रही हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य को वहाँ से तुरंत निकलना पड़ा और उसी घटना के फॉलो अप में आज जो है सुबह वहाँ पे काफ़ी तनाव की स्थिति पैदा हो गई और वो आरजेडी और बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें झड़प हुई और वो झड़प जो है धीरे धीरे उग्र रूप उसने ले लिया और उसके बाद गोलीबारी हुई जिसमें तीन लोगों को गोली लगी, एक व्यक्ति की जान चली गई मौके पे, दो व्यक्ति जो हैं वो घायल हैं जिसमें से एक काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, इन्हें पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भर्ती किया गया है, और दूसरे व्यक्ति जो है उनका इलाज छपरा में ही किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ने एक विकराल रूप ले लिया। अभी जो स्थिति है वहाँ पे उसके हिसाब से स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस बल वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में है, जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं चाहे वो जिला अधिकारी हों, डीएम हों, डीआईजी हों, एसपी हों, वो सारे लोग जो है वहाँ मौजूद हैं। काफ़ी रीइन्फोर्समेंट अलग अलग जिलों से भेजा गया है, पुलिस बल वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात की गई है और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला है अब आगे ना बढ़े। लेकिन ये घटना जो है ये पोस्ट पोल वायलेंस है, जिसमें कल के जो चुनाव में जो झड़प हुई थी, जो रोहिणी आचार्य को वहां से लौटाया गया था भिखारी ठाकुर चौराहे पर जो पोलिंग बूथ था वहां से लौटाया गया था, उसी के रिएक्शन में ये आज झड़प हुई और जिसने तीन लोगों की को गोली लगी और एक व्यक्ति की जान ले ली। जी प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी बिहार।